ready? Yeah. The Diwali Mela is now declared open. उस समय हम जीडी गोयनका स्कूल में मौजूद हैं जहां पे दिवाली मेला जो है वो लगाया गया है, इसका इनॉग्रेशन जो है वो आज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि तरह तरह के स्टॉल्स जो है वो यहां पे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेला जो है ये बच्चों के लिए जो है वो लगाया गया है और बच्चे जो है इस मेले को जो है वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये आपको बता दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये दिवाली मेला जो है वो जीडी गोयनका स्कूल में जो है वो लगाया गया है, बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए हर किस्म का जो है वो स्टॉल यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। आपको बता दें, खाने पीने का स्टॉल अलग से लगाया गया है, हैंडीक्राफ्ट्स का अलग से लगाया गया है, खेलने का स्टॉल जो है वो अलग से लगाया गया है। और ये अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये बिल्कुल खाने पीने का स्टॉल है जो अलग से लगाया गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी भरा तरीके से जो है वो यहाँ पे खाएं। जैसे चना भटूरा का स्टॉल लगाया गया है, पाव भाजी का जो है यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, उसके बाद इडली सांभर वड़ा पाव का स्टॉल लगाया गया है, मसाला डोसा का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, और टोकरी चाट का, पापड़ी चाट, आलू टिक्की, सब चीज़ों का जो है वो यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। और ये जीडी गोयनका स्कूल के अंदर जो है ये दिवाली मेले का जो है एक मेला जो है वो लगाया गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर सकें। हालांकि हम ऑफिशियल्स से भी जो है वो बातचीत करेंगे इस मेले को लेके, लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग तरह के स्टॉल जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये आप देखेंगे बेबी पिज़्ज़ा, और उसके बाद पास्ता, ये कुछ खाने पीने का जो है वो स्टॉल लगाया गया है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ चलें तो दूसरी तरफ जो है आपको यहाँ पे खेलकूद का जो है वो नज़र आएगा, एक ग्राउंड सा नज़र आएगा जहाँ पे जो आप जानते ही हैं मेलों के अंदर लगा रहता है कुछ खेलने की चीज़ें, जिसमें छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद अलग अलग गेम्स का जो है वो स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें बॉल टॉस, सेल्फी कॉर्नर भी जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद रिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग चीज़ों का जो है यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। और ये आपको बता दें कि बड़ा खूबसूरती से जो है वो यहाँ पे सेल्फी कॉर्नर को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट करें, टीचर्स को अप्रिशिएट करें, जीडी गोयनका स्कूल को अप्रिशिएट करें। ये एक सेल्फी कॉर्नर जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे आप दिवाली की जो है अच्छे से सेल्फी ले सकते हैं, जिस तरह से ये टीचर यहाँ पे सेल्फीज ले रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरती से जो है इस पूरे मेले को जो है वो बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। मेहनत रहती है टीचर्स की, मेहनत रहती है बच्चों की। इस तरह का मेला जो है वो आपको जीडी गोयनका स्कूल के अंदर ही जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे जिस तरह से रिंग द ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें रखी गई हैं, ये रिंग्स रखी गई हैं यहाँ पे, अगर आपकी रिंग किसी चीज़ के ऊपर जाती है तो आप उस चीज़ के जो है वो मालिक बन जाएंगे। ये बॉल मेज़,
ये अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, गेम्स बनाई गई हैं ताकि बच्चों का मनोरंजन जो है वो बना रहे और बच्चे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे हैं। ये आप देखेंगे पेपर प्लेन, ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बनाया गया है और ये मेला जो है सिर्फ आपको जीडी गोयनका स्कूल के अंदर ही जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद मिनी बास्केटबॉल यहाँ पे आपको जो है वो छोटा सा बास्केटबॉल दिया जाएगा बॉल की तरह, उसको आपने जो है वो पीछे रखा हुआ पॉट है उसमें आपने डालना है और जिस पॉट में गिरेगा तो उसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ये आप देखेंगे ये मिनी बास्केटबॉल इस तरह से डिज़ाइन किया गया। उसके बाद यहाँ पे डार्ट भी जो है वो यहाँ पे रखा गया है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खूब इंजॉय करते हुए। उसके बाद फ्लिप द बॉटल, यानी कि आपने जैसे बॉटल घुमानी है वैसे ही बॉटल घुमा के सीधा रखना है। अभी तक जो है आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे खरीदारी का सामान, खिलौने, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद छोटे छोटे बच्चों की। उसके बाद यहाँ पे टिक टैक टो, यहाँ पे भी जो है बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हुए। अब इन गेम्स को हम बचपन में खेलते थे, अब मुझे याद भी नहीं है कि टिक टैक टो जो है वो किस तरह से खेला जाता है। उसके बाद फिर एक यहाँ पे छोटी सी जो है वो दुकान, और यहाँ पे दिवाली मेले के अंदर जो है ये लगाया गया है ये पूरी ज्वेलरी वगैरह। मैम आप पहले भी इस मेले में कभी आ चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है हमारा यहाँ पे आना, इट्स अ फर्स्ट टाइम एंड आई एम जस्ट इन कॉलेज एंड दिस इज माय स्मॉल बिजनेस एंड इट्स माय फ्रेंड केरन, इट्स हर स्मॉल बिजनेस, शी मेक्स बैग्स बाय हर ओन। तो ये आप यहाँ पे आए जीडी गोयनका स्कूल के अंदर आए और यहाँ पे जो है आके सामान को जरूर जो है वो खरीदिए। इनसे भी मैम से बातचीत करेंगे, मैम थोड़ा सा इन बैग्स के बारे में बता दें। ये हैंडमेड बैग्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं जस्ट फॉर द जो फेस्टिवल अभी वगैरह है उसके लिए, एंड साथ में काफ़ी वैरायटीज हैं, वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर द सेम एंड यस दैट्स इट। और हम बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली स्टॉल्स के लिए भी। यस, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, बैग्स के, ज्वेलरीज के, सब जो है वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे स्पिन द व्हील का भी जो है एक स्टॉल लगाया गया है। और मैं मुबारकबाद दूंगा जीडी गोयनका स्कूल को और पूरी मैनेजमेंट को जिनके द्वारा ये मेला लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी सूट्स का भी जो है वहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, इयर रिंग्स वगैरह, की चेन्स, स्टेशनरी आइटम्स, होममेड आइटम्स, सब कुछ जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। मुबारकबाद के पात्र बनते हैं जीडी गोयनका स्कूल। उसके बाद यहाँ पे अतर परफ्यूम्स वगैरह जो है यहाँ पे वो भी लगाई गई हैं, मालाएं वगैरह सब यहाँ पे जो है हर एक किस्म का स्टॉल जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। ये आप देखेंगे स्टॉल नंबर 6 जिसमें पूरी स्टेशनरी की आइटम्स, क्रॉकरी का सामान, कुछ खूबसूरत बॉटल्स, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो जिस तरह से बचपन में हम खेलते थे शूटिंग द बैलून, ये भी जो है यहाँ पे इसका स्टॉल भी यहाँ पे लगाया गया है और ये अब यहाँ पे शूट करेंगे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो है यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। बड़े खूबसूरती से इस मेले को जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और आपको बता दें कि जीडी गोयनका स्कूल की मैनेजमेंट और बच्चों का, मैम क्या कहेंगे ये मेला जो लगाया गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर ये मेला हमारे स्कूल का है और ये स्टॉल हमारे ही स्कूल का है, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल, और ये मेला चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है। ये जो भी मनी कलेक्ट होती है ये चैरिटी के लिए जाती है। अच्छा, चैरिटी के लिए। यस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी आए यहाँ पे और जिस तरह से मैडम ने जानकारी दी है कि ये जो भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा वो सारा का सारा जो है वो चैरिटी में जो है वो डाला जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको कूपन्स मिलते हैं, पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बैठी है। और मुबारकबाद दूंगा पूरी जीडी गोयनका की मैनेजमेंट को
और आप भी यहाँ पे आके जो है वो ज़रूर यहाँ पे आएं, चीज़ों को ख़रीदें और भागीदार बने चैरिटी का, यानी कि इनडायरेक्टली आप जो है किसी गरीब की, किसी मजलूम की जो है वो मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आके सामान जो है वो ज़रूर ख़रीदें। ये जो मेला है वो जीडी गोयनका स्कूल के द्वारा जो है ये मेला लगाया गया है। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी की पूरी मैनेजमेंट को, मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे के पूरे स्कूल को जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। और जिस तरह से टीचर ने हमें बताया कि ये जो पैसा है ये सारा का सारा चैरिटी में जो है वो जाता है, तो आप भी यहाँ पे आएँ जीडी गोयनका स्कूल के अंदर जहाँ पे ये दिवाली मेला लगाया गया है, इस मेले को एंजॉय ज़रूर कीजिए और यहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़रूर खरीदिए। फ़िलहाल आप देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैनेजमेंट के साथ जो है यहाँ पे बच्चे और मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए यहाँ पे हेल्प डेस्क, फर्स्ट एड का जो डेस्क रहता है, उसके बाद अनाउंसमेंट्स के लिए जो है अलग से डेस्क जो है वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई भी किसी को परेशानी ना आए। लेकिन जितने भी लोग इस समय लाइव मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको अपील करूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ और ज़रूर इसका हिस्सा बने ताकि जो भी यहाँ पर सामान रहता है उस सामान के चलते आप उसको ख़रीदें। और जिस तरह से मैडम ने बताया कि चैरिटी में जो है ये पैसा जाता है, तो आप भी चैरिटी का जो है वो ज़रूर हिस्सा बनिए और गरीब मजलूम लोगों की जो है वो ज़रूर मदद कीजिए। मैं मुबारकबाद दूंगा जीडी गोयनका स्कूल को, मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी की पूरी मैनेजमेंट को जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये मेला जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन से जो है वो पेंटिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं हाथों के ऊपर। और यहाँ पे कई सारे गिफ्ट्स भी जो हैं वो रखे गए हैं और ये देखेंगे आप कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये बच्चों को जो है मैडम्स को पेंटिंग्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। और ये मेले में यहाँ पे जो है ये अलग अलग स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं, वहीं पे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जो है यहाँ पे टैलेंट शो का जो है वो अलग से यहाँ पे प्रबंध किया गया है, अलग से स्टेज जो है वो बनाई गई है और अलग अलग गिफ्ट्स भी जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग भी जो है वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इस मेले का भागीदार जो है वो ज़रूर बने। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अदा, अस्सलामु अलैकुम।